नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल मास्टर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका भी ये फ़ोन देख रहे हो, इसमें अगर आपका पी यू के ब्लॉक हो गया है, ठीक है ना, पी यू के ब्लॉक हो गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो पूरा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस टाइप का और इश्यू होता है तो मैं आपको हमेशा वीडियो बनाकर पोस्ट करते रहता हूँ। ऐसे तो फ्रेंड्स, मैं एजुकेशनल चैनल है, मैं तो यहाँ पर वीडियो पोस्ट करता हूँ कि कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी जॉब का वैकेंसी आती है, कुछ भी आता है, तो मैं इसके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है या कोई प्रॉब्लम समस्या होता है तो वो कैसे सॉल्व किया जाए उसको हम बताता हूँ। लेकिन आज मैं जब ये ऑफिस खोल के रखा था तो वहाँ पर मेरे एक कस्टमर आया था कि बोला था, सर मेरा ये पीयू के ब्लॉक्ड हो गया है, ठीक है ना, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढा, इसे सॉल्व करने का तरीका ढूंढा, बहुत ढूंढा, तो लास्ट में मुझे पता चला कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यही वीडियो में, यही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उसे आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बने रहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब कर दिए होंगे, ठीक है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इससे पहले बता दे रहा हूँ कि आपको भी इस तरीका से आता होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीयू के ब्लॉक, तो ऐसा इसलिए आता है फ्रेंड्स, अगर आपने सिम को, मोबाइल को छेड़छाड़ कर रहे हो, यहाँ पर सिम का जो लॉक होता है उसको लॉक लगा रहे हो, अगर उसमें 3 बार ने लॉक लगाया तो आपने वहां पर तो लॉक्ड हो गया, ठीक है ना। लॉक्ड होने के बाद में गलत पासवर्ड डाला, वो लॉक्ड हो गया, ठीक है ना, लॉक्ड हो गया, तो उसे 3 बार का मौका देता है तो आपका सिम क्या हो जाता है, लॉक्ड हो जाता है। लॉक्ड होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है कि अब वो उन्होंने वहां से मांगता है वो लोग कि पुक कोड बताइए, ठीक है ना, पी यू के पुक कोड बताइए। अगर आपने 10 बार का टाइम देता है, 10 बार इंटर कर सकते हैं। अगर आप पुक कोड सही सही दे देते हैं 10 बार के अंदर में, कोड अगर आप दे देते हैं 10 बार के अंदर में, तो आपका ये सिम अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब अनलॉक हो जाएगा। अगर आप 10 बार इंटर कर दिए, पूरा गलत दे दिए, तो यह आपका ऐसे ही लिखेगा पुक ब्लॉक्ड, ठीक है, 10 बार का ही टाइम दिया जाता है। 10 बार में अगर आप सही सही देते हो तो आपको जो सिम है अनब्लॉक हो जाता है, अगर 10 बार में आप नहीं कर पाते हो तो आपका पुक ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कैसे होता है, जब आपको 10 बार का टाइम देता है ना, तो कुछ भी गलत नंबर ना डाल करें। अगर आपको पता नहीं है तो सीधा कस्टमर केयर के पास फोन करें, जैसा कि मैंने इस नंबर से फोन किया था, एक और मेरा एयरटेल का सिम था, इसे मैंने फोन किया, तो उन्होंने ऐसा, तो फोन करने से वो लोग पुक नंबर बता देते हैं, पुक नंबर जैसे ही डाल करेंगे उसके बाद में 2 बार पासवर्ड सेट करना पड़ता है, आप कुछ भी 2 बार अपने मन से पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 पुक नंबर डालने के बाद, ठीक है ना। तो पुक नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आपको कस्टमर केयर से आपको मिल जाएगा, पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा आपको कि आपका किस नाम से सिम है, सिम का नंबर, और आपका दूसरे सिम से फोन करके आप पुक नंबर ले सकते हो, तो आपका उसमें डिटेल्स पूरा मांगेगा, लास्ट रिचार्ज कितना का करवाए थे ये भी याद रखिएगा, क्योंकि वो भी पूछता है, ठीक है ना। वो देने के बाद में आपको जब पुक नंबर दे देंगे तो वहां पर जब 10 बार का टाइम देता है तब डालिएगा, ठीक है ना। अगर आप 10 बार गलत इंटर कर दिए तो आपका इस टाइप का पुक ब्लॉक लिख देता है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करने का फ्रेंड्स मैंने बहुत कोशिश किया और फोन से बात भी कस्टमर केयर के पास, तो उन्होंने बोला कि ये अभी ये आपको 10 बार का टाइम दिया गया है, आपने गलत इंटर किया इसीलिए इसको ब्लॉक्ड कर दिया गया। तो हम फिर पूछे कि सर इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो उन्होंने बोला कि आप अपने, कर मेडिसिन शुभेंदु। हेलो, नमस्कार सर। सर बोलिए। सर एक नंबर है, नोट कीजिएगा, 9191999 7678। ये नंबर लिखे 9199 7678। सर हाँ ये बोलिए सर। इसमें पी यू के ब्लॉक लिख रहा है सर सिम जी। बोलिए आपके नंबर पे लास्ट रिचार्ज कितना हुआ था? 49 का। कौन सा मोबाइल पे इसमें डाला है सर? कंपनी क्या मोबाइल का? सैमसंग, सैमसंग का है सर, सिंपल सेट जो होता है DUOS। देखिए सर, आपको आपको क्या वहाँ पर कुछ पीयू के कोड मांग रहा था, आपने किया क्या सर? 10 बार से ज्यादा गलत मार दिए, तो वहाँ पर अभी बता रहा है पीयू के ब्लॉक, ठीक है ना।
तो काम कीजिए सर, जिसके नाम पे डॉक्यूमेंट है उनका डॉक्यूमेंट लेके कोई भी नजदीकी दुकान पे जाइए, नहीं तो आपको एयरटेल स्टोर पे जाना पड़ेगा। जब आपको इसी नंबर के बदला डुप्लीकेट आपको सिम लेना है, जब आपको डिजिटल पर्सन लगेगा 4 घंटा, अगर आप पेपर पर्सन निकालेगा तो लगेगा 24 घंटा, अगर आप रोमिंग में है तो लगेगा 72 घंटा। जब आपको नया सिम मिलेगा तो 24 घंटा के लिए आपका SMS सेवा और OTP सेवा को बंद किया जाएगा। पुराना सिम पे जितना सा नंबर था ये तो आपको आगे नहीं मिलेगा, बाकी जो रिचार्ज सब कुछ आपको नया सिम पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप एयरटेल स्टोर पे जाएंगे तो 25 रुपया लगेगा, ठीक है? 25 रुपया जी जी जी, रिप्लेस कर लीजिए, हो जाएगा सर, ठीक है? एयरटेल सर धन्यवाद, आप मतामत हमको आगे बेहतर से बेहतर बना, थैंक यू सर। अगर पुक ब्लॉक हो जाता है तो फोन से आप कोई भी हालत में से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको सिम रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो आप नियरेस्ट आपका जहां पर सिम बिक्री होता है वहां पर जाइए और बोलिए कैसा समस्या है, तो वो क्या करेंगे, नया सिम देंगे और उसमें ये रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना? और नंबर वही रहेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, नंबर आपका वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कस्टमर केयर से बात किया है और मैंने इसमें सोचा कि सॉफ्टवेयर से आगे भी देखूँ, उससे भी कोई नहीं। सॉफ्टवेयर कब होता है? जब आपका फोन लॉक होता है, लेकिन यहाँ पर पुक्ड ब्लॉक्ड है, इसका मतलब आपका सिम ब्लॉक्ड है, ठीक है ना? तो वहाँ पर दूसरा सिम देंगे और यहाँ पर आपको सॉल्व क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कोई घबराने की कोई बात नहीं है, आप ऐसा कीजिए आपका समस्या पूरा हल होगा, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइएगा आपको अगर यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है ना? फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, मेरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ आपको अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर टाइप के वीडियो आपके लिए लेकर आते रहता हूँ जो आपको फ्यूचर में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बने रहिए।